एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर से होंगे। फ्रेंड, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं इश्क मुर्शिद ड्रामा के एक बहुत ही बेहतरीन ओएसटी तेरा मेरा प्यार अमन। तो चलिए फ्रेंड्स, वेट नहीं करते हैं और सॉन्ग का स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अपनी कैपिंग को दे दिया। देख, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लाइट सा ओएसटी था। वैसे तो पाकिस्तान के सभी ओएसटी बहुत ही प्यारे रहते हैं, लेकिन इधर जितने भी ओएसटी आ रहे थे वो थोड़ा दर्द में डूबे हुए लग रहे थे, और अच्छे लग रहे थे लेकिन दर्द में डूबे हुए थे। लेकिन ये बड़ा लाइट सा, बहुत अच्छा सा गुनगुनाने वाला है कि चुपचाप आराम से बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं और गुनगुना सकते हैं। मैंने जब पहली बार सुना, मेरे टक से हुआ कि बिल्कुल स्टक हो गया कि ये वाओ, ये कौन सा सॉन्ग है, क्या है। मैंने जब उसको सर्च करके देखा तो बड़ा मजा आया देखकर। और फिर हमारे एक व्यूअर ने हमें सजेस्ट भी किया हमें इस पर रिएक्शन देने के लिए। तो हमने कहा ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, चलो एक साथ दो काम होते हैं, हमें भी और डिटेल में देखने को, जानने को, सुनने को मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ज़्यादातर जो है, बहुत सी एक्ट्रेस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड मेकअप करती हैं, लेकिन दुर्गा फिशा का मेकअप हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही, वैसे तो बहुत सी ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जो कम मेकअप में अच्छा लुक देती हैं,
अच्छे से प्रेजेंट होती हैं, लेकिन दोरे फिशा तो अलग लेवल है इनका। ऐसे ही तो कैसे थे खुद गर्जी में भी कितना हल्का मेकअप पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बहुत दमदार एक्टिंग किया था। और इसी तरह से हमें ये भी लग रहा है, वैसे जब हमने पहली बार इनकी जोड़ी के बारे में सुना था तो हमें थोड़ा सटपटा लगा था कि दानिश तैमूर के साथ तो बहुत अच्छा जच रहा था, क्या इनके साथ जचेगा या नहीं जचेगा, लेकिन बहुत ही फिट जोड़ी होने वाली है, लोग इसे सालों तक याद रखेंगे और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग जोड़ी है। और ऐसे बिलाल की एक्टिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, वो हर तरह के कैरेक्टर में बिल्कुल कर जाते हैं तो फिर बाहर आने का नाम ही नहीं। पहले जब वो प्यार के सबके पर आया था उसमें कितने सीधे मासूम से बने थे, कितना जितना भी यमुना दादी कर रही थी वही कर रही थी, मतलब शैतानिया सब कुछ, वो तो एकदम मासूम सीधे है। तभी तो तुम वो तुम्हारे फेवरेट एक्टर थे, पर अब नहीं है, हम नहीं है आप पाने, अब दूसरे हैं। अच्छा चलो बाद में रिवील कर देना, लेकिन बता देना, क्योंकि हमें तो अभी तक यही पता था कि बिलाली तुम्हारे फेवरेट नहीं, नहीं अब नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत से लोगों की पसंद बदलती रहती है। आई थिंक शायद दानिश तैमूर होंगे, अब वो तो बाद में बताएंगे। अच्छा चलो, और पाकिस्तानी ड्रामा या ओएसटी का ये रहता है ना कि हमेशा दो पार्ट लाते हैं, एक थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी रहता है, एक थोड़ा सा सैड रहता है, और इसी दोनों फीलिंग्स के बदौलत जो है वो बहुत ही अच्छे से अपनी स्टोरी टेलिंग अपने सॉन्ग को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा भी रहता है और हम लोगों को भी इंटरटेन होने का मौका मिलता है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को हमने लिया है हम टीवी से, तो इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं और इसके ड्रामे भी वॉच कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।